वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को रिविजन सेशन करके दिन रात रिविजन सेशन चल रहे हैं। चलो जल्दी से बता दो मेरे को चैट बॉक्स में ऑडियो वीडियो सब कुछ सही है ना परफेक्ट लिखो अगर सब कुछ सही है तो जल्दी चैट बॉक्स में परफेक्ट लिख के बता दो रोहित शीला रजनीकांत ऋषभ प्रेक्षा रमा यशस्वी आस्था कृतिका रुहान वृद्धि परिधि निलेश रिजिता ऑल परफेक्ट कोई भी ग्लिच कोई भी प्रॉब्लम परफेक्ट 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 रोहित और रमा यहाँ भी तुम लोग शुरू हो गए हो हाँ मोस्ट प्रोबेबली मंडे को आप लोगों की लाइव क्लास होगी जो हमारी लास्ट क्लास होगी सी की गुड इवनिंग अरमान चलो हाँ नीलेष ने बिल्कुल सही बोला प्लीज कीप साइलेंस ऋषभ रोहित तो और रमा हर जगह तुम लोग लड़ाई करने लगते हो चलो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं ठीक है, क्योंकि फटाफट हम लोगों को करना है अभी तक इंटरनेशनल एंड ने नेशनल अफेयर के दो दो सेशन हो चुके, दो हो चुके हैं, क्लास चुकी है, जिसमें हम लोगों तो ने की वो नहीं है। बिल्कुल है, बट कि मैंने में भी आपको बताया लोग पहले डिस्कस कर रहे है। अभी तक, हम लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर चैप्टर वन में क्या क्या कवर किया है इंटरनेशनल बॉडीज़ कवर किए भी बाकी है अदरवाइज इंटरनेशनल बॉडी कवर कर ली जैसे कि आईएफसी एडीबी है ना जितने भी थे आईएमएफ ये सारा कवर हुआ बिमस्टेक साक एशियन ब्रिक्स फिर हमने नेशनल कुछ बॉडी कवर की जैसे आरबीआई सेबी है है है, ना ना ये सब हम हम लोगों लोगों ने ने कवर किया, किए, किए, तो एक जो होता आ सकते हैं, वो area हम लोगों ने already कर लिया है, और वो भी सिर्फ दो सेशन में आप लोग हो ही इतने तेज कि सिर्फ दो सेशन में हम लोगों ने इतना बड़ा चैप्टर का इंपॉर्टेंट एरिया कवर कर लिया है कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे टोटल इसके कितने सेशन है आप लोग को वैसे मिला है आप चेक कर सकते हो बट इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर के टोटल पांच सेशन होंगे आज हम लोग थर्ड सेशन करेंगे तो दो और सेशन बाकी रहेंगे जिसमें मैं सबसे लास्ट वाले सेशन में आप लोगों को जितने भी हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो करवाऊंगी तो अभी जो बीच के दो सेशन है थर्ड एंड फोर्थ हम लोग उसमें क्या क्या करने वाले हैं तो आज जैसे हम लोग करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत अच्छा एक और बात बता देती हूं ये जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड था ना 2021 जो नवंबर में हुआ था इसका कुछ ही पोर्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स का जो हुआ है ना उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं तो वो भी मैं आपको कराऊंगी और वो ई e बुलेटिन में भी है तो आप लोग का ई e बुलेटिन भी कवर होगा आपको पता है ना रिवीजन सेशन में तो चिंता करने की कोई बात नहीं है लेकिन मैं जरूर बोलूंगी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो कॉमनवेल्थ है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया को कवर करता है इसलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है जो मैंने पिक किया है जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आज जो रिवाइज करेंगे और लाइव क्लास में भी हम लोगों ने वही इंपॉर्टेंट एरिया कवर किया था तो शुरू करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने एक मिनिस्ट्री है आप लोगों को पता है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर है डिफेंस है पढ़े हैं ना बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम तो वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है जिन्होंने अनाउंस किया था नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड को 2 नवंबर 2021 को है ना वहां इंडिया के प्रेसिडेंट से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा अवार्ड मिला राष्ट्रपति भवन पे अब सुनना बेसिकली अभी एकदम नहीं जर्विस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप होगा तो क्या उसका भी क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर में नो no. क्योंकि आप लोगों के एग्जाम कब है बारह नवंबर जब भी कोई एग्जाम सी का होता है उसके जस्ट एक महीने पहले तक का आता है है ना तो बारह अक्टूबर तक का फिर भी कोई भी न्यूज पूछ सकता है लेकिन उसके बाद का कोई न्यूज नहीं आएगा आई गेस आपका डाउट क्लियर हो गया अभी हम लोग मिल रहे हैं ना सेवेंटी अक्टूबर को हम लोग फेस टू फेस मिल रहे हैं तो आप भी आ जाओ चलो अब सुनना मेरी एक बात बेसिकली ये जो अवार्ड हुआ ये जो अवार्ड फंक्शन है नेशनल अवार्ड फंक्शन एक सेकेंड यस नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो हमारा 2021 में हुआ नवंबर को तो बेसिकली पांच टाइप के अवार्ड हैं फाइव टाइप के अवार्ड जिसका हमें क्या याद रखना है म याद रखना है क्या नाम याद रखना है नाम याद रखना है पांच टाइप ठीक है सुनना क्या क्या दो टाइप के अवार्ड होते हैं जो बेसिकली प्लेयर्स को मिलते हैं ठीक है जो मतलब खेलते हैं जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं अभी अभी आपको समझाऊंगी एक का नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ना और दूसरे का नाम क्या है अर्जुना अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम एक है मेजर ध्यानचंद एक है अर्जुना एक है मेजर एक है अर्जुना दोनों ही मिलता है अगर आपने पिछले चार सालों में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन अर्जुना आपको तब मिलेगा जब पिछले चार सालों में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो दिया ही है साथ ही साथ तुमने स्पोर्ट्स में लीडरशिप स्पोर्ट्समैनशिप और डिसिप्लिन भी शो किया है तो आपको क्या मिलेगा अर्जुना और मेजर ध्यानचंद कम मिलेगा जब पिछले चार सालों में तुमने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है तो ये दो टाइप के अवार्ड हमें स्पोर्ट्स में मिलते हैं तीसरा नाम से ही मतलब है द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स चकदे इंडिया शाहरुख खान कोच तो बेसिकली ये अवार्ड मिलता है मेंटोर को कोच को है ना इज गिवन टू कोचेस जब उनके मेंटरशिप में प्लेयर्स लोग बहुत अच्छा करते हैं तो ये कोचेस को दिया जाता है द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य भी एक कोच थे तो ये था हमारा थर्ड टाइप ऑफ अवार्ड नेक्स्ट है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स नाम ही में मतलब छुपा है लाइफ टाइम मतलब कुछ ऐसे भी इंडिया में प्लेयर्स है जैसे कपिल देव ये लोग जो लोग रिटायरमेंट के बाद, में, बाद भी स्पोर्ट्स में अपना कंट्रीब्यूशन देना बंद नहीं करते हैं इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेजर ध्यानचंद सॉरी सिर्फ ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम एक है मेजर ध्यानचंद एक है अर्जुना दोनों में क्या डिफरेंस है ये चार साल के लिए ये चार साल प्लस लीडरशिप है ना स्पोर्ट्समैनशिप और डिसिप्लिन कोच को मिलेगा ध्यानचंद लाइफ टाइम रिटायरमेंट के बाद भी स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन रहा और एक मिलता है उस ऑर्गेनाइजेशन और संस्था को जहां से ये लोग स्पोर्ट्समैन लोग निकल कर आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्र खेल प्रोत्साहन पुरस्कार राष्ट्र खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राइवेट या पब्लिक जो भी सेक्टर में जो भी एंटिटी होती है जो बेसिकली इनको क्या करती है कंट्रोल करना इनको रेगुलेट करना स्पोर्ट्स बॉडीज उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं ये आप लोग ध्यान रखोगे तो बेसिकली पांच टाइप के अवार्ड जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है मेजर ध्यानचंद अर्जुन द्रोणाचार्य ध्यानचंद फॉर लाइफ टाइम और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार अब सुनना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वही चार साल तुमने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया ये देखते कुछ कुछ प्लेयर्स का नाम कुछ स्पोर्ट्समैन का नाम जिनको मिला नीरज चोपड़ा कौन नहीं जानता इनको इसके लिए मिला रवि कुमार है ना जो जो बोल रहे हो नाम वो देखना बस प्रमोद भगत है ना मनप्रीत सिंह इन सबको क्या मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्ना अवार्ड इसमें सबसे ज्यादा ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स है और रवि कुमार क्या है रेसलिंग के लिए इनको मिला ओके मूविंग टू द नेक्स्ट अर्जुना अवार्ड जो चार साल परफॉर्म भी किए प्लस स्पोर्ट्समैनशिप ये सब पढ़ा ना हम लोगों ने डिसिप्लिन वगैरह वगैरह ये किसको किसको मिला एकदम देखते हैं हॉकी के लिए बहुत लोगों को मिला हरमनप्रीत सिंह रुपिंदर पल सिंह ठीक है जो जो मैं नाम बोल रही हूँ देखना सुरेंद्र कुमार इन सबको किसमें मिला हॉकी के फील्ड में है ना हॉकी स्पोर्ट में ठीक है मनदीप सिंह शमशेर सिंह है ना इन सबको मिला है बेसिकली अर्जुना अवॉर्ड द्रोणाचार्य कोच का नाम ठीक है टीपी ओसेफ ठीक है सरकार तलवर सरपाल सिंह इंपॉर्टेंट नाम है ये किसको तपन कुमार स्विमिंग ये किसको मिला कोचेस को किसको मिला कोचेस को कोचेस नेक्स्ट ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट आपको मैं बता चुकी हूं किसको बोलते हैं दविंदर सिंह को मिला सज्जन सिंह को मिला अभिजीत कुंते को मिला लेखा केसी विकास कुमार है ना ये किसको मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट नेक्स्ट अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये किसको मिलता है संस्था को पहली कौन सी संस्था है जिसको ये अवॉर्ड मिला वेट फॉर अ मिनट यस स्क्रीन आ रही है यस yes. तो राष्ट्र खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको मिलता है उस संस्था को जहां से ये स्पोर्ट्समैन लोग आते हैं तो दो संस्था है जिसका मैं नाम बता रही हूं मानव रचना एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन और इंडियन ऑयल ऑयलोरेशन लिमिटेड जिनको मिला राष्ट्र खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फॉर द टाइम अभी आप लोग यही स्पोर्ट्स में से न्यूज को याद रखोगे ठीक है और मैं बताऊंगी जब जब आप लोगों को वो सब याद रखोगे कॉमनवेल्थ मैंने आपको बोल ही दिया है कि इसका तो हम लोग करेंगे बुलेटिन से तो आप लोग यहां से चाहो तो कॉमनवेल्थ मत भी करना अब एक इंपॉर्टेंट एरिया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रोग्राम ये एक प्रोग्राम है जो इंडिया ने आ, स्टार्ट किया टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया क्योंकि इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर थोड़ा खत्म हो गया था तो उसको वापस लाने के लिए इसमें ट्वेल्व वर्टिकल्स हैं ट्वेल्व वर्टिकल्स का मतलब है कि बारह चीजों में बारह एरिया में इसमें बात की गई या बारह एरिया पे फोकस किया गया सबसे पहले नेशनल रीजनल जो भी लोग गेम खेलते हैं स्पोर्ट्स खेलते हैं अकेडमिक्स होते हैं उनको सपोर्ट करने की बात की गई दूसरा बच्चों के स्कूल चिल्ड्रेन के फिजिकल फिटनेस की बात की गई स्पोर्ट्स फॉर वुमेन की बात की गई स्पोर्ट्स अमंग द जो लोग होते हैं जो डिसेबिलिटी से होते हैं उनके उनको क्या स्पोर्ट्स सिखाया जा सके उसकी बात की गई स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट फिर रूरल जो गेम होते हैं ना कबड्डी वगैरह खो खो ये सब ऐसे गेम्स को प्रमोट करने की बात की गई यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अच्छे वो बनवाना स्पोर्ट स्पोर्ट्स जहाँ लोग खेल सकें तो जहां पे लोग फील्ड में अगर क्रिकेट खेल सके तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप करना फॉर स्पोर्ट्स है ना

अब हम लोग करेंगे लैंग्वेजेस एंड नेशनल सिंबल्स है ना लैंग्वेजेस एंड नेशनल सिंबल्स देखते हैं अभी वर्ल्ड में सेवन वन फाइव वन सात हजार एक सौ इक्यावन लैंग्वेजेस बोली जाती है एंड आप बहुत शौक हो जाओगे उसमें से तेईस लैंग्वेज इन वर्ल्ड का वर्ल्ड का मोर देन हाफ पॉपुलेशन बोलता है मतलब बाकी लैंग्वेज उतनी बोली नहीं जाती है लेकिन एज पर काउंटिंग सेवन वन फाइव वन लैंग्वेज हमारे इन वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है अब हम इंडिया की बात करेंगे इंडिया के एट्थ स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बाईस लैंग्वेज है एट्थ स्केड्यूल में मतलब ऑफिशियल बहुत सारी लैंग्वेज है और एक बात है जो बहुत अच्छे से याद रखना नेपाली और संथाली को रिसेंटली ऐड किया गया किसमें हमारे अभी के नेशनल लैंग्वेजेस के लिस्ट में नेपाली एंड संथाली इसके बारे में आपको मैं एक और इंफॉर्मेशन भी अभी दूंगी जनरली ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होती है ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जिसमें एक स्टेट दूसरे स्टेट से कम्युनिकेट कर पाए या फिर यूनियन से कम्युनिकेट कर पाए तो जो भी स्टेट का लॉ ऑप्ट करे डिसाइड करके कर, कर सकता है या फिर हिंदी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले किसी किसी स्टेट में ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश थी तो वो कंटिन्यू हो जाएगी उसको लेकर हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे कि हिंदी ही लेकर आओ अभी इंडिया में फोर सिक्सटी लैंग्वेज लिस्ट हुई जिसमें से 447 लिविंग है जिंदा है और 13 लुप्त हो गई गायब हो गई 13 लैंग्वेज का को अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है जिसमें से हिंदी को हम लोग जानते हैं वन ऑफ द मेन लैंग्वेज है और इसको इंडिया का 40 परसेंट पॉपुलेशन बोलता है इंडिया का 40 परसेंट पॉपुलेशन हिंदी बोलता है तो वर्ल्ड में सेवन लैंग्वेज है ट्वेंटी लैंग्वेज हाफ ऑफ दॉपुलेशन बोलता है एट स्केड्यूल 22 लैंग्वेज को लिस्ट करते हैं जिसमें से तेरह लुप्त हो गई हिंदी मेन लैंग्वेज है जिसको फोर्टी परसेंट पॉपुलेशन बोलते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम कब बना, बनाते मनाते हैं 21 फरवरी को कब सेलिब्रेट करते हैं ट्वेंटी फर्स्ट को

आजादी के अमृत महोत्सव के साथ और किसके कोलैबोरेशन में इग्निका इग्नू जानते हो ना इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी वैसे इग्निका होता है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स उसके कोलैबोरेशन से ये मनाया गया ठीक है क्या इंटरनेशनल लैंग्वेज डे मनाया गया ठीक है और नेशनल हिंदी दिवस मतलब ये इंडिया में हम लोग मनाते हैं सेप्टेंबर फोर्टीन को जिसमें हम हिंदी को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हिंदी मोस्ट ऑफ स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है और थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज भी है वर्ल्ड में और फोर्टी परसेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हिंदी ही बोलती है हिंदी का स्क्रिप्ट क्या है आपको पता भी होगा देवनागरी स्क्रिप्ट है ना देवनागरी स्क्रिप्ट आप ये बात जरूर याद रखना कि ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस क्या है हमारी लिस्टेड है अफकोर्स जर्विस एंड ऋषभ डिफिकल्ट है हम लोगों के लिए याद रखना पर मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्ट कर करके करवा रही हूँ आप लोग देखो मैं बहुत सारी चीजें खुद स्किप कर रही हूँ तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा इतना भी नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा कोई कब सिरप तो है नहीं कि मैं बनाई और पिला दी खुद पढ़ना तो पड़ेगा आप लोगों को रिविजन तो करना होगा एक ही वीडियो को बार बार देखो जितना सुनोगे ना उतना याद रहेगा तो मैं यही सजेशन दे सकती हूँ तो बेसिकली इंटरनेशनल जो लैंग्वेज डे होता है वो मनता है ट्वेंटी फर्स्ट लेकिन जो नेशनल हिंदी दिवस है मतलब जो इंडिया में मनाया जाता है, है सेलिब्रेट करते हैं हम उस दिन है ना और हिंदी थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज भी है वर्ल्ड में वर्ल्ड में, में याद रखना उसी दिन जिस दिन हम लोग हिंदी दिवस मनाए हम लोगों के यूनियन मिनिस्टर जो है स्टेट कल्चर एंड टूरिज्म के नाम भी आपको पता होगा प्रहलाद सिंह उन्होंने दो लैंग्वेज को ऐड किया लिटरेचर में और वही मैं बता रही थी नेपाली एंड संथाली तो इससे एक एमसीक्यू वो लोग पूछ सकते हैं वैसे तो मैं बता दू जो चैप्टर वन है वो सबसे डिफिकल्ट है बाकी चैप्टर करंट अफेयर के आसान है जैसे चैप्टर फोर एकदम लाइट है चैप्टर टू एकदम लाइट है चैप्टर थ्री का बहुत सारा एरिया लाइट है है ना अब हम लोग करेंगे नेशनल सिंबल्स ये तो बचपन में पढ़े हो बहुत एकदम आसान है तीन कलर है फ्लैग में क्या क्या केसरिया व्हाइट और ग्रीन केसरिया एंड ग्रीन की से, से, केसरिया वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेसिकली करेज स्ट्रेंथ को व्हाइट पीस को ग्रीन प्रोस्पेरिटी ग्रोथ को है ना और बीच में एक चक्र है जिसमें कितने स्पोक्स हैं ट्वेंटी फोर जिसको कहाँ से लिया गया था अशोक चक्र बोलते हैं इसको है ना सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका से ठीक है नेशनल करेंसी रूपी है पहले ये नहीं हुआ था पता है आपको दस दो हजार दस में इसको नेशनल करेंसी का सिंबल बनाया गया हमारा जो स्टेप स्टेट एम्बलम है मतलब कि इसको बोलते हैं हिंदी में राष्ट्र चिन्ह वो क्या है सत्यमेव जयते है ना इसमें लायन्स है लेकिन सिर्फ इसमें लायन नहीं है आपको पता है इसमें एलिफेंट भी है हॉर्स भी है बुल भी है और लायन भी है और फोर लायंस का फेस है एक पीछे की तरफ है ये आपको याद रखना है फिर नेशनल बर्ड हमारी पिकॉक है और इसके कितने फेदर है टू हंड्रेड टू हंड्रेड है ना फिर नेशनल एनिमल आपको पता है ये क्या है हमारा टाइगर है है ना जो क्या दिखाता है स्ट्रेंथ ग्रेस है ना इनॉर्मस पावर टाइगर बहुत प्राइड वाला होता है तो प्राइड दिखाता है नेशनल फ्लावर क्या है लोटस लोटस को बहुत सेक्रेड पवित्र माना जाता है क्योंकि बहुत सारी पूजा में भी यूज होता है आपको पता है इंडिया ना फ्लोरा में बहुत रिच रहा है मतलब फूलों की खेती में है ना इसको टेंथ पोजीशन मिला है वर्ल्ड में है ना फ्लोरा के एरिया में और हमारे 75% ज्योग्राफिकल एरिया पे सर्वे हुआ है जहां 47000 से ज्यादा टाइप के प्लांट पाए गए हैं ओलंपिक सिंबल हमारा ओलंपिक सिंबल क्या है पांच रिंग ये पांच रिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है ये शो करता है कि हमारी सारी वर्ल्ड की कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड है है ना तो पांच कलर है इसमें ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन रेड और एक दूसरे से सारी रिंग क्या है कनेक्टेड है है ना ओके ये सिंबल्स हैं जो नेशनल ओलंपिक में यूज होते हैं आपको दिख समझ आ रहा होगा जैसे कुश्ती कर रहा है है ना शूटिंग कर रहा है तो ये सब आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है बस याद रखना पांच रिंग होते हैं और पांचों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो ये हमारे कुछ नेशनल सिंबल थे फ्लैग वगैरह चलो एक मजेदार कराती हूँ टीवी सीरियल ये सब तो बहुत देखते हो दादा साहब फालके अवार्ड हम लोग देखते हैं ना अवार्ड फंक्शन आता है स्टार प्लस पे उसी का कुछ न्यूज है देखना फिल्म ऑफ द ईयर किसको मिला पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर बेस्ट फिल्म किसको मिला शेरशाह को फिल्म ऑफ ईयर पुष्पा को बेस्ट फिल्म शेरशाह को अच्छा बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह बेस्ट एक्ट्रेस कृति सनन बहुत लोगों की यहाँ फेवरेट भी होंगी क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस कियारा आडवाणी मैंने इसको याद करने का तरीका बताया था दोनों की बहुत जल्दी इनकी भी शादी होने वाली है तो फिल्म ऑफ द ईयर क्या था पुष्पा बेस्ट फिल्म शेरशाह बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह बेस्ट एक्ट्रेस कृति सनन क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस उनकी गर्लफ्रेंड का नाम बोल दो कियारा आडवाणी है ना अब बेस्ट वेब सीरीज कैंडी बेस्ट शॉर्ट फिल्म पॉली शॉर्ट फिल्म होती है ना बीस मिनट हॉटस्टार वगैरह पे भी रहती है शॉर्ट फिल्म किसको मिली पॉली ठीक है टेलीविजन सीरीज किसको मिलता है अनुपमा पता ही आप लोगों को तो टेलीविजन सीरीज किसको मिला अनुपमा हर हर घर में ये अनुपमा जरूर चलता होगा नेक्स्ट बेस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर इन टेलीविजन सीरीज मतलब टीवी एक्टर में प्रॉमिसिंग एक्टर का किसको मिला धीरज धूपर और बेस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस को किसको मिला बेस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस रूपाली गांगुली फॉर अनुपमा ना जो बहुत लेक्चर भी देती है तो बेसिकली ये हमारे कुछ अवार्ड थे फिल्म ऑफ द चलो फिल्म ऑफ द पुष्पा बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला शेरशाह क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस कियारा है ना बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह बेस्ट एक्ट्रेस कृति सनन शॉर्ट फिल्म पॉली वेब सीरीज कैंडी प्रॉमिसिंग टीवी एक्टर धीरज धूपर प्रॉमिसिंग बेस्ट एक्ट्रेस रूपा गांगुली टेलीविजन सीरीज का अवार्ड अनुपमा ठीक है याद रखोगे ये सारा तो अभी तक हम लोगों ने सारे सिंबल्स किए स्पोर्ट्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना मोर देन सफिशियंट होगा मोर देन सफिशेंट आई अश्योर यू तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि याद नहीं हो रहा है जितना याद है उसी पर ट्रस्ट करो पूरा किसी को भी याद नहीं होता पूरा मुझे भी याद नहीं है, है ना तो हम लोगों ने आज इतनी सारी चीजें रिवाइज की अब जब हम लोग थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सेशन में मिलेंगे फोर्थ सेशन में लैंग्वेजेस भी कंप्लीट हो गया याद रखना ये एक बड़ा टॉपिक था जो हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है अब हम लोग फिफ्थ सेशन में तो मैंने आपको बता दिया सबमिट करेंगे और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करेंगे है ना लेकिन इसके अलावा जो भी छोटे मोटे टॉपिक बच गए स्क्रैप ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक कुछ बचे भी नहीं है थोड़े बहुत ही बचे वो हम लोग फोर्थ सेशन में करेंगे और फिफ्थ में एकदम आराम से एकदम मजे में हम लोग क्या करेंगे सारा सबमिट और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है ना रोहित शॉ मैम टेंशन नहीं है आप हैं इसलिए हाँ एकदम टेंशन लो भी मत एकदम अच्छे से आराम से पूरा रिविजन हो जाएगा अभी तो बहुत सारे सेशन करने हैं और सिर्फ एक ही चैप्टर थोड़ी नहीं है तो सिर्फ एक चैप्टर चल रहा है जब हम लोग सेकंड और फोर्थ करेंगे तो आप लोग को लिटरली मजा आ जाएगा तो 50 परसेंट तो एकदम आसानी से हो गया है ना बाकी 50 के लिए थोड़ा मेहनत तो करोगे तो आराम से रिवीजन होगा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इसके टोटल हम लोगों को पांच सेशन करना है, है ना एकदम माउंटेन ड्यू पीकर कर एग्जाम देंगे बिल्कुल कुछ और मत पीना बस माउंटेन ड्यू ही पीना चलो तो आज का सेशन मैं यहीं तक रखती हूँ मिलेंगे फिर अपने लोग नेक्स्ट सेशन में जो भी आपका स्केड्यूल है उसके हिसाब से थैंक यू ऑल ऑफ यू